यहाँ पर शराब के नाम पर ऐसा इस गांव को कलंकित किया गया है कि यहाँ पर रिश्तेदार अगर बेचू टोला का नाम सुनता है तो वो यहाँ पर आना नहीं चाहता है। शराब भी कहे तवन शराब पिए वन पिए केकरो सा बेटा केकरो परिवार को मारे केकरो गाली दे कुछ करे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। कटिहार में नशा मुक्त कराने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया गया और ग्रामीणों के द्वारा यह अभियान चलाया गया और स्लोगन ये था कि शराब छोड़ो नहीं तो गांव छोड़ो, ऐसा स्लोगन लगाया गया था। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ जाती हैं जिसके बाद शराबबंदी कानून पे जो है सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर जब बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी कानून लागू है तो फिर कहां से शराब आ। लेकिन कटिहार से ये अनोखी पहल निकल के आई है सामने, जहां पे ग्रामीणों का कहना है कि अगर आप शराब नहीं छोड़ेंगे तो आपको गांव छोड़ना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है कटिहार में फलका थाना क्षेत्र के बेचू टोला गाँव में लोगों ने नशे के खिलाफ युवाओं के अनोखा जो है युवाओं के द्वारा अनोखा पहल किया गया। गांव में सामूहिक बैठक कर नशे के खिलाफ हल्ला बोला गया, ऐलान किया गया कि अगर आप शराब नहीं छोड़ेंगे तो आपको गांव छोड़ना होगा। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया इस अभियान के द्वारा कि अगर जो लोग शराब पीते हैं या फिर शराब का काम करते हैं उन्हें गाँव के किसी शुभ काम में या फिर जो भी सामूहिक बैठक होती है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आप ग्रामीणों को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बहन की छे कि शराब गाँव में नहीं बिकना चाहिए, शराब बिके छे तवन शराब पिए वलन पिए छे फिर बिकाबे छे केकरो सा बेटा केकरो परिवार को मारे छे केकरो गाली दे छे आरो कुछ करे छे। यहाँ करो युवा जे एक मुहिम छिड़को छे या तो शराब छोड़ो या गाँव छोड़ो, ये मुहिम में तोरा के साथ छे ना? हाँ साथ छे एकदम, या तो शराब छोड़ो या तो गाँव छोड़ो, हम ये कम होना चाहिए। गाँव जे छै शराब के मामला में पूरा कलंकित छै, बदनाम छै। रिश्तेदार भी नहीं आबै छै, रिश्तेदार आबै छै कहै छै कि गाँव में शराब बिकै छै। रिश्तेदार कितना आदमी बेचै छै यहाँ पर? ढेरी आदमी बेचै छै, 4-5 गो घर। तो उ लोग का जे छै खत्म करै ले तोरा की मांग करै छौ प्रशासन? हमरा निक मांग छै यही कि दारू नहीं बिकना चाहिए गाँव में, प्रशासन से सहायता चाहिए कि हाँ गाँव के दारू हटा देना चाहिए। बिहार में तो पूरा शराबबंदी छे लेकिन फिर भी यहाँ चोरी छिपे लोग बेचे छे, तो ओकरा खत्म करना छे, खत्म करना छे। इस गांव में शराब बेचना और पीना एक परंपरा बन गया है जिसको हम लोग तोड़ने का एक मुहिम छेड़े हैं। यहाँ पर शराब के नाम पे ऐसा इस गांव को कलंकित किया गया है कि यहाँ पर रिश्तेदार अगर बेचू टोला का नाम सुनता है तो वो यहाँ पर आना नहीं चाहता है। किसी भी फेस्टिवल में या किसी भी शादी विवाह या किसी भी मरनी में किसी को भी आमंत्रित किया जाता है तो इस गांव का नाम सुन के कोई भी नहीं आना चाहता, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी एक अच्छा आदमी जो होता है वो नहीं आना चाहता है। इसको लेके हम लोग शराब बेचने और पीने को लेकर एक मुहिम छेड़े हुए हैं। इसमें हम लोग प्रशासन का साथ चाहते हैं, मीडिया का साथ चाहते हैं, सभी सपोर्ट करें। क्या क्या प्रस्ताव लिए हैं आज बैठक जो हुई है इस अहम बैठक में? इस प्रस्ताव में शराब हम लोग ये एक मुहिम बनाए हुए हैं कि शराब छोड़ो या गांव छोड़ो। 12 वार्ड में दारू भी बेचता है 2-4-5 घर में, और दारू भी सबको बाल बच्चा पीता है, सबको बाल बच्चा खराब होता है। और कहीं से कर कुटमैती आता है तो कर कुटमैती घूम को चला जाता है, बोलता गाँव अच्छा नहीं है, जैसा बेचू टोला नाम है वैसा बेचू टोला काम करता है, यही सब शराब मामले में पूरा बदनाम गाँव बदनाम है। हम लोग सोचते हैं प्रशासन के साथ दारू बंद होना चाहिए। यहाँ के युवा जो एक मुहिम छेड़ा है कि शराब छोड़ो या गांव छोड़ो, इसमें आप लोगों का कितना सहयोग है महिलाओं का? सब महिला को सहयोग है कि शराब छोड़ो या गांव छोड़ो, इस मुहिम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। महिला सब कोई साथ देगा, महिला का ही ना देगा साथ।
तो आपने ग्रामीणों को सुना, वहीं महिलाओं को भी सुना। महिलाएं काफी खुश हैं, उनका मानना है कि युवाओं का ये पहल काफी अच्छा है, अच्छी पहल की गई है कि जिस तरीके से लोग शराब पी लेते हैं और कई सारे एक्टिविटी को करते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं ये अभियान, ये ऐलान जो है काफी अच्छा है, अनोखी पहल की गई है कटिहार में, और जिसके तहत कटिहार के युवाओं ने ये पहल किया है कि अगर आप शराब नहीं छोड़ेंगे तो आपको गांव छोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।